दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ टिप्स और ट्रिक्स के बारे में जो कि आप अपने व्हाट्सएप में यूज़ कर सकते हैं। और मुझे पता है इसमें से आपको कुछ तो पता होगा लेकिन कुछ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से एक नए कमाल संभाल वेबसाइट वीडियो में। नाम मतलब आप देख रहे हैं टेक्निकल प्रतापगढ़ यूट्यूब चैनल। दोस्तों सबसे पहले जो हमारी ट्रिक आती है या टिक कह लीजिए, वो आपकी प्राइवेसी से रिलेटेड है। अगर आप ये नहीं चाहते हैं कि आपका स्मार्टफोन कोई छुए और उसमें आपका व्हाट्सएप खोले, तो व्हाट्सएप के लिए आप एक अलग लॉक लगा सकते हैं। इसके लिए पहले हम अपने व्हाट्सएप को ओपन कर लेते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं दोस्तों, जैसे सबसे पहले आपको ये नज़र आ रहा है कि व्हाट्सएप लॉक। तो दोस्तों ये मेरा कोई प्राइवेसी लॉक नहीं है स्मार्टफोन का, ये मेरे डायरेक्ट व्हाट्सएप से मैंने इसको किया हुआ है। सो आपको सबसे पहले यहाँ थ्री डॉट्स पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको जाना है सेटिंग्स में। अब सेटिंग्स में जाने के बाद दोस्तों आपको जाना है अकाउंट्स में। अकाउंट्स में यहाँ आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा प्राइवेसी का, तो यहाँ प्राइवेसी पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आप सबसे नीचे आएंगे आप, तो यहाँ देखिए आप देखेंगे फिंगरप्रिंट लॉक आपको दिख जाएगा। तो फिंगरप्रिंट लॉक में आपको देखिए यहाँ इमीडिएटली करना है आफ्टर 1 मिनट या आफ्टर 30 मिनट्स, ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से अगर आप डिसेबल कर देंगे तो डिसेबल हो जाएगा, इनेबल कर देंगे तो ये देखिए इनेबल हो जाएगा इस तरह से। तो इसे आप जैसे तुरंत लॉक करेंगे तो यहाँ आप तुरंत लॉक करेंगे इसको, मैं पावर बटन दबा दूंगा तो अभी कट जाएगा ये। सो ये आसानी से आप कर सकते हैं। अब दोस्तों बात आती है हमारे सेकंड नंबर के टिप की। तो जो आपका सेकंड नंबर का ट्रिक है दोस्तों, वो ये है कि आप जो है कोई से भी चैट को पिन कर सकते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि सिर्फ 3 ही चैट को आप पिन कर सकते हैं। जहाँ ये देखिए, ये मैंने एक ग्रुप को यहाँ पे पिन किया है, तो मैंने अगर इसको अनपिन कर देता हूँ तो ये नीचे की तरफ आ जाएगा और पिन वाले सारे ऊपर चले जाएंगे। तो यहाँ से मैं इसको पिन कर देता हूँ, ठीक है। ठीक, अब दोस्तों जो हमारी नेक्स्ट नंबर की ट्रिक आती है वो ये है कि आप कई बार जैसे ग्रुप्स वगैरह के मैसेजेस से परेशान हो जाते हैं। तो जैसे कि आप देखिए ये सारे ग्रुप्स हैं जो, इनके मैसेजेस से मैं परेशान हो जाता हूँ क्योंकि नोटिफिकेशन मैंने हाइड करके रखा हुआ है, सो कंटेंट शो नहीं होता है, जिसकी वजह से मुझे कुछ बार बार प्रॉब्लम होती है। तो इसकी वजह से मैंने इनको हाइड कर दिया। तो यहाँ से आप करेंगे म्यूट कर देंगे। तो ये देखिए म्यूट का ऑप्शन यहाँ आपको देखने को मिलेगा अनम्यूट का। तो यहाँ इनको मैं म्यूट कर देता हूँ, पहले मैंने म्यूट किया था इसलिए अनम्यूट का ऑप्शन है। तो जब यहाँ पे आप म्यूट दबाएंगे तो यहाँ आपके लिए आएगा 8 आवर्स के लिए, 1 वीक के लिए, 1 ईयर के लिए, मैंने 1 ईयर के लिए कर दिया है। नोटिफिकेशंस अगर आप लेना चाहते हैं इससे, यानी आपको नोटिफिकेशन आए, तो आप इसको इनेबल करके रखिएगा, वरना फिर आप ऐसे इसको। और दोस्तों कई बार क्या होता है कि आपको जो है PIP का इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे आप लोगों ने देखा था कि आपकी कोई वीडियो हो, चाहे आपकी यूट्यूब की हो, तो वो आप अपने प्ले करना चाहते हैं व्हाट्सएप में ही, यानी आपको बाहर नहीं जाना है। तो उसके लिए आपको दोस्तों डायरेक्ट आना है ऐप इन्फॉर्मेशन में, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आप अगर जब आएंगे यहाँ पे नीचे, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा PIP का, यानी पिक्चर इन पिक्चर। तो अलाउ द ऐप टू क्रिएट PIP फ्लोटिंग विंडो वाइल द ऐप इज़ ओपन आफ्टर यू लीव इट। तो उसको अगर आप ऑफ कर देंगे तो देखिए जो है, तो आप कोई से भी वीडियोज़ वगैरह अगर डालेंगे तो वह PIP हमें आपकी नहीं चलेगी, यानी पिक्चर इन पिक्चर मोड में नहीं चलेगा। तो द विंडोज़ डिस्प्ले ऑन द टॉप ऑफ अदर ऐप्स यू आर यूजिंग, तो ये उनके ऊपर वर्क नहीं कर पाएगा। तो अगर आप यहाँ इनेबल कर देंगे तो आपको जो है PIP मोड का आप आनंद ले पाएंगे आराम से। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ, तो कोई सी अगर मैं वीडियो सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे तो आप ये वीडियो जैसे देख रहे हैं, तो जैसे कि आप दोस्तों ये वीडियो देख रहे हैं, तो देखिए अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये PIP में चलने लगेगा। ये देखिए, अगर यहीं दूसरी तरफ दोस्तों, अगर मैं इसको काट देता हूँ, अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ डायरेक्ट इससे, तो ये YouTube पे मुझे लेके जाता है, यानी YouTube ओपन हो जाएगा। सो मैं यूट्यूब से बाहर आता हूँ 1 मिनट। अब दोस्तों एक बात और आती है कि आप कई बार चाहते हैं कि आप इंटरनेट यूज़ करते रहें लेकिन आपके पास व्हाट्सएप के मैसेजेस ना आएँ, यानी आप समझ रहे हैं ना व्हाट्सएप वाले आपके पास मैसेजेस ना, आप अगर ऐसा सोचते हैं तो आपके लिए एक ट्रिक और है मेरे पास। तो यहाँ देखिए आप डायरेक्ट इसी पे क्लिक कीजिए, उसके बाद ऐप इन्फॉर्मेशन में जाइए। ये आप इजीली कर पाएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अगर आपको ऐसे डायरेक्ट नहीं मिलता है, सारे स्मार्टफोन में मिल जाता है, लेकिन फिर भी अगर मैं आपको ऐसे नहीं मिलता तो मैं आपको ऐसे बता देता हूँ। तो यहाँ से आप क्लिक करेंगे नोटिफिकेशंस पे, नोटिफिकेशन आप यहाँ से सर्च कीजिए, तो मैनेज नोटिफिकेशन का ऑप्शन आपके पास यहाँ देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से आप जा करके व्हाट्सएप सेलेक्ट कर लेंगे, नीचे आइए, व्हाट्सएप कहाँ गया मेरा, तो यहाँ देखिए व्हाट्सएप सेलेक्ट करेंगे तब भी वही आपके पास सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और वरना फिर आप मेरे जैसा ऐसा डायरेक्ट कर सकते हैं, ये आपका डायरेक्ट ऑप्शन है, इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी है। अब यहाँ देखिए दोस्तों, मैं आप मेन चीज़ के बारे में हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ आपका डेटा यूजर्स स्टेटस का ऑप्शन देखने को मिल जाता है।
तो यहाँ देखिए आप अगर ये सब देखेंगे तो इतना सारा डेटा जो है यूज़ कर लिया गया है। अब यहाँ अगर देखेंगे तो नेटवर्क परमिशन आपको दिया गया है, बैकग्राउंड डेटा आपको दिया गया है, यानी कहने का ये मतलब है कि आप ये चाहते हैं कि आपका नेट ऑन रहे, आप दूसरे काम करते रहें, आप यूट्यूब देखते रहें या कुछ और चलाते रहें, आपकी मर्जी है पबजी खेलते रहें, लेकिन आपके पास जो व्हाट्सएप के मैसेजेस हैं वो ना है, तो आपको यहाँ से सिंपली इस पर क्लिक करना है, उसके बाद क्लोज़ ऑप्शन कर देना है। जब आप यहाँ से क्लोज़ कर देंगे तो नेटवर्क परमिशन जो है वो क्लोज़ हो जाएंगी, और फिर क्लोज़ करने के बाद जब आपका ये देखिए नेट ऑन है मेरा, मैं डेटा ऑन कर देता हूँ, फिर तब भी अगर आपके पास कोई भी मैसेज भेजेगा तो आपके पास बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि हमने यहाँ से नेटवर्क परमिशन को है क्लोज़ कर दिया है। तो यहाँ से मैं फिर से इनेबल कर लेता हूँ, और आपके पास यहाँ ये भी ऑप्शन है कि आप चाहे वाईफाई पे चलाइए, चाहे एकदम क्लोज़ कर दीजिए, या वाईफाई और मोबाइल डेटा दोनों पे चलाइए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये रही आपकी एक और ट्रिक। तो आज की वीडियो में इतना ही, आई होप आपको वीडियो पसंद आ गया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज भी कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए शानदार वीडियोस लाते रहता हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।